क्या आपको लगता है कि नहीं 2500 3000 रुपये में ये चीज़ें ज़्यादा है या फिर नहीं ये ज़्यादा बिल्कुल कॉस्ट ज़्यादा है? बिल्कुल कंफर्टेबल है किसी के लिए। दोस्तों बहुत टाइम से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप उस पर वीडियो बनाइए जो आपके चैनल के थ्रू वहाँ पे गए हैं मुंबई में, वहाँ पे रह रहे हो, कैसे रहते हैं और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, उनसे बातचीत करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए, दोस्तों हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, आपको सारी जानकारी मिलेगी। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, जो फ्लैट है ये आप देख सकते हो, हम लोग फ्लैट के पास आ चुके हैं और जो लोग यहाँ पे बंदे लोग रहते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप लोग देखो, मैं उनसे सारे जो भी उनके एक्सपीरियंस है मैं उनसे पूछूंगा, आप लोग देखो। बस देखते जाओ क्या एक्सपीरियंस है उनका। और भाई क्या हालचाल है? बस मैं बढ़िया, आप बताओ। तो भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, नमस्कार दोस्तों। तो ये चैनल पे जाएगा वीडियो। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि भाई तुम किसके थ्रू आए हो? मैं आपके थ्रू आया, अभिनव। और जब आप आए और यहाँ पे रह रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम या कुछ जो भी आपका है प्लस माइनस आते टाइम में आपको कैसा लगा या फिर अभी आपको कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो क्या, आप बताओ अपने बारे में। अच्छा, मतलब मैं जब घर पे बैठा था एक दिन, सोच रहा था कि कुछ करूँ बाहर जाके, तो फिर मैंने ऐसे यूट्यूब चला रहा था तो आपका वीडियो मैंने देखा। आपका वीडियो आया मुंबई व्लॉग ऐसा चैनल, इधर हो गया उधर से लाइटिंग सही है। मैंने आपका वीडियो देखा तो फिर मुझे मैंने देखा कि आपकी सब फैसिलिटीज वो ऐसा वैसा, आपकी रूम्स अच्छे, फ्लैट्स है वगैरह सब सब बताया आपने, तो फिर तभी मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। लेकिन मैंने आपसे कॉन्टेक्ट कर की तो आपने मुझे अच्छा सा मतलब एक्सप्लेन किया, फिर मैं रेडी हुआ तो मैं इधर आया। तो इधर आने के बाद मुझे अभिनव भैया मतलब आप मुझे पिकअप किए और फ्लैट पर आके ड्रॉप किया, तो फिर मतलब तभी मुझे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। लेकिन मैं जब आया फ्लैट पे तो दोस्तों इधर सब अच्छे, मतलब 1 BHK फ्लैट है, वाईफाई सर्विसेज है अच्छे और पीने का नहाने का सब अरेंजमेंट है, मतलब पानी वगैरह सब 24 घंटे रहता है और कोई भी दिक्कत नहीं। अगर रात में कोई भी प्रॉब्लम होती है 12 बजे 1 बजे कुछ भी होता है, अगर अभिनव भैया को फ़ोन करते हम तो तुरंत हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। तो मतलब ऐसा जब मुझे लगता था कि मुंबई जाके मेरा रहने का मतलब कैसा होगा, मतलब मेरा ही नहीं सब बच्चों के ऐसा ही लगता है कि मुंबई जाने के बाद अपना रहने का क्या इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन अभिनव भैया रहते, अभिनव भैया के होते हुए कोई भी बच्चों को रहने की प्रॉब्लम नहीं आएगी इधर। थैंक यू। चलो ठीक है, अब और भी लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे जो भी इस फ्लैट में रहते हैं ना सबसे बात करेंगे और वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आपको यहाँ पे अभी कैसा लगता है? बस नॉर्मल जैसा भी आपको लगता है या फिर जो भी यहाँ पे फैसिलिटी है उसके बारे में आप बताइए। यहाँ पर आकर मैंने सोचा नहीं था कि अच्छा प्लेस वगैरह मिलेगा, क्योंकि मैंने मुंबई आने के पहले जब आप घर से चले थे तो आपको जब मुंबई के बारे में चलने के लिए सोचे थे तो आपको लगा था कि मतलब आपको फ्लैट मिल जाएगा ऐसा, या फिर कैसा उम्मीद करके आए? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा फ्लैट वगैरह मिलेगा और इतना अच्छा वेंटिलेशन वगैरह, यहाँ की जो सुविधा है वगैरह, पानी वगैरह का जो भी है यहाँ पर, मैंने सोचा नहीं था कि मुंबई जैसी सिटी में, इतनी बड़ी जैसी सिटी में कुछ अच्छा भी मिल सकता है। और मेरा एक सपना था कि यहाँ पे आके कुछ करूँ करियर में, इसके लिए मुंबई सिटी के लिए मैंने सोचा कि मुंबई जाकर मैं कुछ कर सकूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले तो YouTube के माध्यम से आपसे संपर्क किया और इनका चैनल देखने के बाद मैंने मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। मैंने बात वगैरह की इनसे और पूछा भाई कैसे क्या है रूम का चार्ज वगैरह, इन्होंने मुझे पूरा क्लियरली बताया कि कैसे क्या है। तो वैसे यहाँ पर आया, रूम वगैरह भी बहुत अच्छा मिला, जैसे सिटी में आने की पता नहीं था कि मुंबई जैसे सिटी में इतने यानी कम दामों पर अच्छा रूम भी मिल सकता है, इनके माध्यम से मुझे ये पता चला। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप लोग जब चलते हो घर से ना तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं, इनके भी दिमाग में वही घूम रहा था और अभी इनका जो क्वेश्चन है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है क्योंकि ये सेटल हो चुके हैं यहाँ पे। तो आप अभी सेटल नहीं हुए हो इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि जब आप इसको देखोगे तो ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। हो सकता है मैं झूठ बोलता हूँ कि भाई मैं ऐसा रूम दिलवाऊंगा वैसा दिलवाऊंगा, आपको कोई प्रेशर था? नहीं नहीं, किसी प्रकार का प्रेशर वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, तो जो भी है तो यही है भाई
कि यहाँ पे आने के बाद आपको एक आइडिया लगेगा, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि आपको जो भी वहाँ पे रहते हैं बंदे उनका मैं फीडबैक आपको शेयर करवाऊंगा। तो दोस्तों लेट ज़रूर हुआ क्योंकि अनकंफर्टेबल लगता है कि कोई अपने रूम में सो रहा है, कैसे है, तो मैं वीडियो बनाऊँ। तो इन लोगों से मैंने एक बार बस बोला था कि मैं बस बोलूँगा आपको कि आप लोगों को बोलना है कि कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, तो बस इसके बारे में यही वीडियो। अब और भी बेडरूम में लोग हैं तो उनसे भी हम बात करते हैं और देखते हैं क्या उनका एक्सपीरियंस है। आज हाँ, तो इसमें भी देखिए, इसमें तीन लोग रहते हैं बेडरूम में। तो Hello. अभी हाँ Hi. देखो यूट्यूब पे Hi. हाँ, तो ये सभी लोग देखो मुंबई व्लॉग चैनल के थ्रू आए हैं। तो सबसे एक एक कर सके हम सबसे बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपसे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बस आप ये समझ लो, मुंबई आना चाहते हो और आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, तो बिना कुछ सोचे समझे ही इज़ द मैन। और जैसा ये दिखते हैं बिल्कुल वैसा ही हैं, तो आप बिंदास आओ और इनके पास आओ। रहने के लिए अगर परेशान हो तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो ये सब यहाँ पे हमारे साथ सब अलग अलग जगह से आए हैं, सबका किसी का कोई उड़ीसा से है, कोई कोलकाता से है, कोई जैसे मैं हूँ बिहार से हूँ, तो वैसे ही अलग अलग जगहों से लोग हैं। पर आपको यहाँ का माहौल देख के लग रहा होगा कि कितने कंफर्टेबल हो गए हैं लोग। तो आप अगर किसी पर्पस से आना चाहते हो मुंबई, कोई पर्पस है आपका लाइफ का कि हाँ कुछ करना है, और आप चाहते हो कि हाँ यहाँ पे अगर सोर्स नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ, या इस तरह की चीज़ें अगर दिमाग में चल रही है, या ऐसे भी लोग हैं जिनको क्या होता है कि आपका सोर्स भी है, आप मुंबई आना चाहते हो लेकिन आप ये चाहते हो कि आपका जो प्लान है, आप जो काम करना चाहते हो उसके लिए आप किसी रिलेटिव वगैरह, या वो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है मैं समझता हूँ कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो की प्रॉब्लम कि वो किसी के पास नहीं जाना चाहते। तो उनके लिए भी मैं खास करके कहना चाहूँगा कि जिनको किसी को बिना बताए और अपने लिए कुछ करने के लिए बिल्कुल अलग मतलब स्पेस के लिए अगर आप आना चाहते हो तो आप बिल्कुल बिंदास होके आओ, रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको जहाँ तक, अब तो इतना सारा हो गया है सुविधा कि अब तो ये जॉब वॉब के लिए भी इतनी बातें करते हैं, कई सारे लड़के को मैंने देखा है अपने सामने आए हैं और लगवाया है जॉब कितनों को यहाँ पे। तो अब तो ये जॉब के लिए भी मतलब इतना काम कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को, जो नए लोग आते हैं जो ग्रेजुएट हैं या फिर जो बिल्कुल मतलब कम भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी अब इनका सोर्स यहाँ पे इतना मतलब अच्छा हो चुका है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जब से इन्होंने ये काम करना शुरू किया कि आप कभी भी आओ तो आपको रहने के लिए तो सब कुछ मिलेगा ही, और जितनी फैसिलिटी जितना आराम यहाँ पे मिलेगा हर चीज़ आपको, कंपैरिजन आप अगर करना चाहो तो आपको खुद ब खुद महीने दो महीने में पता चल जाएगा कि यहाँ पे किस तरह का सीन है, और उस हिसाब से आपको आते ही कैसी फैसिलिटी मिल रही है वो चीज़ आपको एक महीने के अंदर समझ में आ जाएगा। और बाकी जॉब की बात रही कि वो चीज़ अगर कि वो भी सोर्स नहीं है तो उसके लिए भी ये बंदा आपको मदद करेगा। और मैं यहाँ पर अभी तकरीबन एक डेढ़ महीने तो हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट प्लेस है। अगर किसी जगह पीजी में रहना है, आपको कोई पीजी चाहिए, तो इससे कंफर्टेबल सिचुएशन माहौल आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि 2500-3000 रुपए में ये चीज़ें ज़्यादा है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल है किसी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की महंगाई है आपको उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या फैसिलिटी अब आपको ज़रूरत हो सकती है? एक स्टूडेंट के नए फ्रेशर को क्या ज़रूरत हो सकती है? सबसे बड़ा चीज़ है आज के डेट में खाने पीने से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि बिजली मिले ना मिले इंटरनेट मिलना चाहिए, वो आपके पास है। पानी की दिक्कत हर जगह है यहाँ पे मुंबई में, तो यहाँ पे इतना पानी आपको मिलता है कि आप हर चीज़ अपना कर पाओ। लेकिन हाँ, आप गांव से आ रहे हो तो वहाँ, जैसे मैं भी आया हूँ तो वहाँ पे बर्बाद करने की बहुत आदत होती है कि पानी इतना मतलब यूज़ करते हैं कभी पता नहीं होता कि पानी की क्या कीमत है। तो वो यहाँ आके समझ आ रहा है तो अब पता है कि कितने पानी से क्या यूज़ करना है कैसे, तो मतलब वही होना भी चाहिए। पानी मिल जाता है? हाँ, इतना तो मिलता है सब कुछ। जितना प्रॉब्लम देखता हूँ मैं आगे मतलब और मेन टाउन में जाने के बाद, उस हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। तो इतना पानी यहाँ मिलता है तो इतना कम्फर्टेबल मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि लग रहा है कि हाँ कम से कम उन
से तो बेहतर स्थिति में हो कि जितना पानी की दिक्कत इस मुंबई में है सबको, मतलब जो सुनने में आता है कि बहुत कम पानी है मुंबई, पानी की जितनी दिक्कत मैं सुनता था उस हिसाब से मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है कि इतनी दिक्कत है नहीं और खास करके यहाँ पे नहीं है। और बाकी मैंने जहाँ पे और भी जगह रहा हूँ मैं मुंबई में, कभी ऐसे परमानेंट तो रहा नहीं, यहाँ आता जाता रहता हूँ, पर जैसी दिक्कत मैंने देखी है पानी की तो मुझे पता है कि पानी के लिए लोग यहाँ कितने परेशान होते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भूल जाओ, पानी इतना मिलेगा कि आप सारा काम करो, हम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आप यूज कर सकते। और बाकी आपको रहने के लिए आप, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जितना घर से आप आते हो आपके घर से बेहतर जगह यहाँ मिलेगा, इस बात की गारंटी तो जरूर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ इसलिए अब इतना तो बोल ही सकता हूँ। तो बाकी अब देख लो आप, यहाँ सब कुछ तो है ही। आगे इनसे बात कर लिया, आप तीन चार लोगों से बात कर लिए, और भी लोगों, जो लोग यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सबसे हम बात करेंगे। पूरे फ्लैट में टोटल 7 लोग रहते हैं, 7 लोगों से ज़्यादा नहीं होते हैं, 7 लोग रहते हैं, तो और भी जो बाकी लोग हैं सबसे बात कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप बताइए। सर कैसे बताओ दोस्त, हेलो दोस्त, कैसे हो सब लोग? बढ़िया जगह है, मत सोचो। हम लोग पहली बार जब जन्म लेते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि जन्म लेते वक्त हम सोचते हैं क्या, कुछ नहीं सोचते, सीधा धरती पर आते हैं और धरती पे आके खुद बड़ा 18 वर्ष हो जाने के बाद हम लोग सोचते हैं अगले बार क्या करूँ, बड़ा सिटी नहीं मिल रहा है, गांव में हूँ, बाहर कैसे जाऊँ, बाहर में क्या कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई हेल्प ना करने वाला नहीं है। भाई जिंदगी में हेल्प करने वाला तुमको एकमात्र तुम ही हो, खुद आईने के सामने खड़े हो जाओ, शीशे पे देखो, जो तुम्हारे हेल्प कर सकता है वो खुद तुम हो। तुमको एक लिंक चाहिए बस होता है मुंबई आने के लिए। अगर तुम मुंबई आना चाहते हो, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे तुम, मतलब अगर तुम्हारे पास कुछ भी टैलेंट है और कुछ करने का मन है, अगर तुम एक बार दिमाग में सोच लिया कि मेरे को कुछ करना है, किसी को बल बूते पर नहीं चलना है, तो कुछ सोचो मत भाई, आँखें बंद कर लो। आई थिंक मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ये जो हमारे प्रकाश भाई है, अभिनव भाई है, ये आपको बोल ही दिया होगा। और कुछ सोचना मत, कोई नेगेटिविटी नहीं है इधर। हम पहली बार जब मुंबई आने के लिए सोच रहे थे, मेरे को लगा था कि अरे भाई मुंबई में सुना है कि कोई जाने के बाद। आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पे रहते हैं? मैं अभी 4 महीना हो गया है, मैं बड़े अच्छे से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को। जब आया था मैं 4 दिन के मेरा जॉब लग गया था, ये अभिनव भैया ने मेरे को एक एड्रेस दिया था, मैंने गया उधर। मैं अभी इंडिया बुल्स में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले दिन में ही मेरा इंटरव्यू दिया था, मेरा जॉब हो गया था, कोई दिक्कत नहीं हूँ। मैं अभी TL बन जाऊँगा अगले महीने। तो मेरा सपना धीरे धीरे, मैं सोचता हूँ कि मेरा, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा फैमिली भी मुझे, जो फैमिली, जो रिश्तेदार जो सपोर्ट नहीं करते थे, जो लोग बोलते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अभी मैं खुद को पहचान रहा हूँ, हाँ मेरे अंदर कितना आग है, मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम सोच रहे हो कि यहाँ आने के बाद कोई तुमको लूट लेगा, तुमको ज़्यादा पैसा, उधर मुंबई है भाई, बहुत पैसों लगता है, बहुत खर्च होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर खाने का बहुत चीप रेट है, आप खुद खाना बना के खा सकते हो। मिलता है आपको इधर 50 रुपया में, आपको चापाटी, मतलब इधर बोलते हैं चापाटी, जो रोटी होता है गांव में, रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा, 3-4 आइटम सब्जी मिलेगा, मिठाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको 50 रुपया के अंदर ही मिलेगा, तुम फुल पेट भर खा सकते हो। अगर तुमको लग रहा है कि 50 रुपये भी तुमको ज़्यादा हो रहा है, तुम एक काम करो, 50 रुपये का सब्जी चावल ले आओ, इधर गैस है, बर्तन है, तुम खुद पकाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ पानी फानी सब एकदम लाइट, पंखा फ्लैट है, कोई चौल फॉल नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि ये सब वीडियो बनाते हैं, तुम लोग जाते हो कोई पैसा पैसा लेके तुमको चौल में रूम दिला देता है, ठीक है, उधर पानी फानी नहीं रहता है, कोई चूहा फुआगा वगैरह रहता है, तुम रूम देख रहे हो, मैं ऐसा रूम में रहता हूँ, फ्लैट में रहता हूँ कि मेरा खुद का घर ऐसा नहीं है भाई। मैं इधर आके तो चौंक गया है, भाई मैं कहाँ हूँ, मेरा गाँव घर वाला भी देख के बोल रहा है कि भाई तू कहाँ पहुँच गया है, ठीक है। इधर फ्लैट में ही सब लोग रहता है, कोई चौल पोल में रूम नहीं देता, ऐसा मत सोचो। और इतना चीप है, अगर तुम एक बात है ना कि मुंबई आए हो, लड्डू खाया हो मुंबई का, लड्डू का रेट तुमको तो 10 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लड्डू का रेट है भाई 2 रुपया, क्योंकि ये लड्डू हम लोग सब मिलकर खरीदते हैं, ये रूम है, हम लोग 7 लोग रहते हैं, बहुत चीप रेट, इधर 2500 रुपया हम लोग को महीना रहता है। लेकिन तुम यहाँ से, अगर तुमको पहचान नहीं है तो मिनिमम 12 से 15 हज़ार रुपया तुमको लगेगा रहने के किराए, रेंट 1 महीने का, ठीक है। और कुछ नहीं बोलूँगा दोस्त, कुछ सोचो मत, या कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुमको जॉब, तुमको बिजनेस करना चाहते हो, एक्टिंग लाइन, कुछ भी,
इधर सब कुछ सोर्स मिलेगा। खुद को सोचो, खुद को कुछ करना है, शीशे के सामने खुद खड़ा रहो, खुद किसी से पूछो कि मेरे को क्या बनना है। बस ये अभिनव भैया जो है, ये दिखती भी ऐसी है और रहते भी ऐसी है, ऐसी नेकदार इंसान है। और हम लोग दुआ करते हैं भगवान से कि इसको और भी आगे ये जाए, क्योंकि ये कुछ ब्रोकरेज फ्रोकरेज किसी से नहीं लेता, ये सब बंदा का हेल्प करते हैं। हम लोग जो तुम्हारे वीडियो के, अभिनव भैया के वीडियो के जरिए हम लोग आ रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं, इसका ही मेहरबानी है। हम लोग कुछ पैसा वैसा किसी से नहीं लेता, ठीक है। मैं तुमको हाथ मतलब कर जोड़ के ऐसा बोलना चाहता हूँ कि बस आ जाओ यहाँ, कुछ कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई चिट फंड ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जय श्री राम। हाँ तो गाइस, जिनके भी दिमाग में क्वेश्चन है ना कि वहाँ पे जाने के बाद कैसे रहना है, क्या कोई फ्रॉड तो नहीं कर देगा, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, चौल में तो नहीं मिलेगा, तो गाइस आप लोग काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये वीडियो बनाइए। और एक्चुअली ये ज़रूरी भी था ये वीडियो बनाना, क्योंकि ये शुरू में ही ज़रूरी था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि लोग किस तरह से रहते हैं अपने रूम में, तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन काफ़ी जब रिक्वेस्ट आया तो मुझे लगा कि बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो बनाया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो गाइज यही सब है, और बाकी जो भी रूम का है वो दिखा देता हूँ। इधर देखो बालकनी भी है, इधर सॉरी, तो इधर बालकनी भी है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा रहती है, तो इधर भी आके मतलब अपने प्रॉपर घर जैसा रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई बाउंडेशन है। आप लोग कितने बजे तक आ जा सकते हो, ऐसा बताओ बताओ जरा, कितने बजे तक आना जाना अलाउड रहता है? भाई दिन भर रात भर 24 घंटे तुम मतलब गेट खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे तुम आ जा सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत। तो गाइस कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब ये समझ लो यार कि अगर आप लोग घर पे हो ना, तो जैसे आप घर पे रहते हो, घर पे तो बल्कि आपको कोई बोलने वाला भी है इधर, वो भी नहीं बोलने वाला है। और जो भी आपका ओनर रहेगा, हो सकता है कि मैं अपने फ्लैट में रखूं, हो सकता है किसी और के भी फ्लैट में रखूं, लेकिन जहां भी रखूंगा ना, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको कोई ओनर कोई बाउंडेशन करेगा। हाँ, ड्रिंकिंग या फिर कोई नशा वगैरह मैं अलाउ नहीं करता हूँ, या फिर पूरे फ्लैट में अलाउ नहीं रहता है। तो आप अगर सही से रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे लड़के, अगर कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि लड़के यार कैसे रहेंगे, अलग अलग सिटी से हैं, सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं, तो अभी ये बात जो कर रहे थे, अभी ये वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, कुछ लोग अलग अलग एमपी से हैं, तो सब लोग अलग अलग स्टेट से हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग अपना यहाँ पे धाक जमाने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ ऐसा भी है। बिल्कुल स्मूथली अच्छे से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके दिमाग में जो भी घबराहट है वैसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतने सारे एक्सपीरियंस ये लोग शेयर किए, तो इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। और गाइस बिल्कुल आप टेंशन मत लो। एक चीज़ सिर्फ कहना बाकी है, मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा नाम गोविंद पाल है, तो मैं एक चीज़ तुमको बोल देता हूँ दोस्त, तुम लोग जो देख रहे हो ये वीडियो, इधर माँ बाप नहीं मिलता, लेकिन माँ बाप जैसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत हम लोग दोस्त लोग हैं, सब फैमिली जैसा ही रहते हैं। कोई किसी का कुछ दिक्कत हो गया इस महीने, उसको कुछ खाने के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है, कुछ पैसा वैसा उसको बचा नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा दोस्त के माहौल बना के रखते हैं कि हम लोग एक दूसरे को एक साथ हेल्प कर देते हैं। किसी को जॉब नहीं लग रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो भी हम लोग कुछ उसको हेल्प कर देते हैं। क्योंकि कुछ लोग इधर आते हैं कुछ करने के लिए, और फिर उसको क्या लगता है, देखो भाई करना तुमको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन तुमको करना तुम ही को है, कोई तुम्हारा उंगली पकड़ के नहीं बोलेगा कि भाई तुमको मैं यहाँ तक प्लेटफॉर्म ले चुका हूँ, तुम एक काम करो ज़िंदगी बना लो, ऐसा कोई नहीं करता। तुमको प्लेटफॉर्म दिखा देते हैं लोग, जो ये ट्रेन इधर से उधर जाता है, तुम जाना तुमको ही है, दिखाना का काम हम लोगों का है। हम लोग इसीलिए सब लोग दोस्त की तरह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब लोग आ जाओ, टेंशन मत लो। अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर में बैठ के सोचोगे हाँ मुझे तो करना है, लेकिन ये लोग हाँ बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जाने के बाद अगर कुछ और निकलेगा, भाई तुमको एक बात बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो में जो बात तुम लोग सुने हो ना, अगर एक भी कुछ बात अगर तुमको बुरा लगे, मतलब यहाँ आके तुमको लगे कि नहीं ये बात सही नहीं है, तो एक काम करना भाई, मेरा हम लोग तो सब पहचान में आ रहा है, तुम जो मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, सोच रहे हो मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ, तो एकदम आँख बंद करके कुछ सोचना मत, एकदम फ्रीली दोस्त की तरह आओ, परिवार की तरह रहो। एक बात अभिनव भैया ने जो बोला, ड्रिंक या कुछ बुरे काम ये अगर तुम करोगे, यहाँ तुमको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा, आप खुद साथ हॉनेस्ट रहो, हॉनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन आवर लाइफ,
ओके, तो हॉनेस्ट रहो, जिंदगी में तुम कुछ कर पाओगे। टाटा। ठीक है गाइस, तो यही सब था और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।